यूनिवर्स के अंत में क्या है, ये फाइनली चैट जीपीटी ने सॉल्व कर दिया। तो जब चैट जीपीटी को एक नॉर्मल सिटी की इमेज को जूम आउट करने के लिए कहा गया, तब उसने उस इमेज को नॉर्मली जूम करके दिखाया। बट उसे जब थोड़ा और जूम आउट करने बोला गया तो उसने शहर को ही दिखा दिया। अब यही सेम इंस्ट्रक्शन देकर इसे कंटिन्यूअसली और जूम आउट करने को बोला गया तो उसने पूरी धरती की इमेज ही दिखा दिया। फिर और जूम आउट करने पर उसने मिल्की वे गैलेक्सी दिखाई। फिर देखते ही देखते उसने बंडल ऑफ गैलेक्सीज एंड देन ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स तक दिखा दिया। लेकिन यही से शुरू हुआ चैट जीपीटी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, क्योंकि इसके आगे जूम आउट करने पर हमारे सामने आया मल्टीवर्स, ओमनीवर्स एंड देन अल्ट्रा ओमनीवर्स। बट इसके आगे जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि जब चैट जीपीटी को इसके और आगे जूम आउट करने बोला गया तो उसने कोई और मल्टीवर्सल चीज दिखाने की वजह ह्यूमन बॉडी के डीएनए इमेज को ही दिखा दिया। तो अब यहाँ पर बेसिकली क्या हो गया, तो जब जरूरत से ज्यादा यूनिवर्स को जूम आउट करने को बोला गया तो लार्जर स्केल से सीधा ह्यूमन के मॉलिक्यूलर लेवल पर पहुंच गया, जो क्लियरली हमें बताने की कोशिश कर रहा था कि हमारा यूनिवर्स और हमारी बॉडी पूरा लूप में चल रहा है। यानी अब अगर हम इस डीएनए के इमेज को फिर से जूम आउट करेंगे तो फिर हमें वो सिटी से लेकर पूरा यूनिवर्स होते हुए अगेन डीएनए दिखाएगा और ये कंटिन्यूअसली लूप में चलता जाएगा, जिसका सीधा सा मतलब है कि ह्यूमन ब्रेन के साथ यूनिवर्स का डायरेक्ट कोई कनेक्शन है। एटलीस्ट चैट जीपीटी तो यही बोल रहा है। और अगर देखा जाए तो यूनिवर्स और ह्यूमन बॉडी में बहुत सी सिमिलरिटीज है, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन सेल्स देखने में स्पेस में मौजूद डार्क मैटर जैसा लगता है, बट यूनिवर्स में होने वाली एक स्टार की डेथ ह्यूमन सेल की बर्थ के जैसा दिखाई देता है। साथ ही ह्यूमन आई की जूम्ड इन इमेजेस कहीं ना कहीं हेलिक्स नेबुला से मेल खाती है। अब जब ये दो एस्ट्रोफिजिस्ट ह्यूमन ब्रेन के इन दो पार्ट्स पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तब उसी दौरान ब्रेन के सैंपल को 40x जूम इन करके जो स्ट्रक्चर दिखाई दिया वो जेम्स वेब टेलीस्कोप द्वारा खींची गई यूनिवर्स की इस इमेज से काफी मेल खा रही थी, जिसने कहीं ना कहीं हमारे सामने यह सवाल खड़ा कर दिया कि क्या हमारा यूनिवर्स किसी एडवांस जिंदा जीव का ब्रेन है। जब इन दो एस्ट्रोफिजिसिस्ट ने स्टार्ट में यूनिवर्स और ब्रेन को कंपेयर किया, तब शुरू में तो उन्हें इनमें कोई सिमिलरिटीज नजर नहीं आ रहा था, बट जैसे ही उन्होंने माइक्रोस्कोप के मैग्निफिकेशन को थोड़ा सा बढ़ाया तब उन्हें ब्रेन के सैंपल्स में यूनिवर्स के अंदर मौजूद गैलेक्सी जैसे स्मॉल डॉट्स नजर आने लग गए थे। इसके बाद जब उन्होंने इन सैंपल्स को अपने मैक्सिमम मैग्निफिकेशन पर जूम करके दिखाया तब उन्हें इनमें छोटे डॉट्स के साथ इनको आपस में जोड़ने वाली लाइंस भी नजर आने लगी, जो देखने में बिल्कुल यूनिवर्स की इमेजेस की तरह लग रहा था, जिन्हें आप खुद अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। लेकिन इन इमेजेस के अलावा भी अगर मैं आपसे कहूँ कि अभी जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है ये सभी इमेजेस नासा के जेम्स वेब टेलीस्कोप द्वारा ली गई है, तो आपको यही लगेगा कि ये सभी स्पेस से जुड़ी हुई इमेजेस है। मगर सच तो ये है कि ये आखिरी वाली इमेज स्पेस की नहीं बल्कि ह्यूमन ब्रेन की है, जिसे 2021 में हुए फोटोमाइक्रोग्राफी कंपटीशन में सेकंड पोजीशन हासिल हुई थी, क्योंकि इस इमेज में ब्रेन के अंदर करीब 300,000 इंटरैक्टिंग न्यूरॉन्स दिखाई दे रहा था। अब इन्हीं ब्रेन के 300,000 न्यूरॉन्स में से ऑन एन एवरेज ब्रेन का एक न्यूरॉन उसके अगल बगल में मौजूद 4 न्यूरॉन्स से कनेक्टेड होता है, और कुछ इसी तरह यूनिवर्स में भी एक गैलेक्सी उसके अगल बगल में मौजूद 5 गैलेक्सीज के साथ कनेक्टेड होती है। अब ब्रेन के स्ट्रक्चर में माइक्रो लेवल पर यूनिवर्स के साथ इतनी सिमिलरिटीज इसी ओर इशारा कर रहा था कि हमारा यूनिवर्स सच में एक ब्रेन हो सकता है। अब इसी बात को पूरा पुख्ता करने के लिए उन्होंने अपने फाइनल पैरामीटर्स पर दोनों इमेजेस में मौजूद ऑब्जेक्ट्स के नंबर को कंपेयर किया, जिसकी कैलकुलेशन के अनुसार हमारे ब्रेन में 69 बिलियन न्यूरॉन्स है और दूसरी तरफ यूनिवर्स में 100 बिलियन गैलेक्सीज है। अब ये नंबर सेम तो नहीं, बट यहाँ जो ब्रेन के 69 बिलियन न्यूरॉन्स है वो ब्रेन के टोटल मास का 30% है। अब दूसरी तरफ यूनिवर्स की 100 बिलियन गैलेक्सीज भी टोटल नोन यूनिवर्स के मास का 30% है। अब ये सिमिलरिटीज यहीं पर खत्म नहीं होती, क्योंकि ब्रेन और यूनिवर्स के इन 30% को छोड़कर जो बाकी बचे हुए 70% मास है उसका कंपोजिशन भी बहुत हद तक सिमिलर है। एग्जांपल के तौर पर ब्रेन के केस में वो सब्सटेंस पानी है, जबकि यूनिवर्स के केस में वो सब्सटेंस डार्क एनर्जी है। अब इन सभी सिमिलरिटीज के बाद एक सवाल निकल कर आता है कि क्या हमारा यूनिवर्स भी ब्रेन की तरह सोच सकता है। अब अगर इसका जवाब हाँ है तो हम इसके बारे में पता कैसे लगा सकते हैं? तो जब न्यूरॉन्स के अंदर एटॉमिक लेवल पर एक हलचल होती है तब न्यूरॉन्स इसके प्रभाव से रैंडमली एक्ट करने लगता है,
जिससे उसके आसपास के न्यूरॉन्स भी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और उनके बीच एक कनेक्शन बनता है जिससे कि ब्रेन्स में थॉट्स आना शुरू होता है। अब जब गैलेक्सीज में मौजूद प्लैनेट, स्टार्स और एस्ट्रॉयड किसी दूसरे प्लैनेट या स्टार के साथ इंटरेक्ट करता है तो इनके ऐसे रैंडम मूवमेंट की वजह से उसके आसपास की चीजें भी ग्रेविटी की वजह से इन्फ्लुएंस होती है, जिससे इनके साथ पूरी गैलेक्सी की ग्रेविटी भी इन्फ्लुएंस होती है। फिर दूसरी गैलेक्सी से कम्युनिकेशन होकर यूनिवर्स में एक इवेंट पैदा होता है, वो भी बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे ब्रेन में थॉट्स बनते हैं। तो क्या यूनिवर्स में होने वाले यही इवेंट्स यूनिवर्स के खुद के थॉट्स हैं? वेल, जब न्यूरॉन्स में होने वाले इंट्रैक्शन की वजह से ब्रेन जिंदा हो सकता है तो गैलेक्सीज के इंट्रैक्शन से यूनिवर्स का जिंदा होना बेसलेस तो बिल्कुल भी नहीं लगता। लेकिन अगर हम हमारे दिमाग के साइज को देखें तो वो है करीब 140 मिलीमीटर, जिसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स या कहे इन्फॉर्मेशन 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रेवल करती है। मतलब कि दिमाग में एक थॉट्स तुरंत ही जनरेट होता है। यही चीज अगर हम यूनिवर्स के नजरिए से देखें तो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का साइज 93 बिलियन लाइट ईयर्स है, जिसके अंदर इन्फॉर्मेशन 3×10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रेवल करती है, जिसका सीधा सा मतलब है कि हमारे ब्रेन के कंपैरिजन में यूनिवर्स के अंदर एक थॉट को बनने में कई 100 करोड़ साल लगते हैं, जबकि इस यूनिवर्स की एज ही महज 1380 करोड़ है। तो यहाँ से एक डिसिमिलरिटीज तो जरूर देखने मिला। लेकिन अगर हम ब्रेन और यूनिवर्स के सिमिलरिटीज को देखें, तो फिबोनाची नाम के एक मैथमेटिशियन ने ऐसे सीक्वेंसेस की डिस्कवरी करी थी जो प्लैनेट्स के ग्रोथ पैटर्न्स और गैलेक्सीज के स्पाइरल मोशन के बारे में डायरेक्टली सिमिलरिटी शो करता है। चाहे किसी पेड़ का बड़ा होना हो या फिर किसी नदी के टेढ़े मेढ़े रास्ते से होकर बहना हो, सबके अंदर एक मैथमेटिकल पैटर्न देखने को मिलता है। दोस्तों, ये पैटर्न इतने सिमिलर होते हैं कि आप इन्हें किसी भी स्केल पर देख लो, आपको ये सेम ही लगेगा। अब आज के समय में पैटर्न की स्टडी से ये पता चलता है कि चाहे डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर हो या फिर क्वांटम फिजिक्स की अजीबोगरीब दुनिया हो या फिर यूनिवर्स में होने वाली कोई इवेंट्स हो, इनमें एक चीज तो देखने को मिलता ही है कि हमारी दुनिया पैटर्न और लॉस के हिसाब से चलती है। मतलब कि कुछ तो है जो हमारे यूनिवर्स को चला रहा है। लेकिन साल 2030 तक दुनिया के अंदर ऐसे नैनोबॉट्स क्रिएट होंगे जो खुद को रेप्लिकेट करते हुए खुद जैसे ही कई सारे नैनोबॉट्स बना लेंगे। अगर ये नैनोबॉट्स किसी गलत हाथों में पहुंच जाता है तब उस इंसान के पास जाहिर तौर पर इस यूनिवर्स को तबाह करने की क्षमता आ जाएगी। अब आप बोल सकते हो कि अब तक तो हम यूनिवर्स और ब्रेन सेल्स के सिमिलरिटीज की बात कर रहे थे, फिर अचानक से ये नैनोबॉट्स की बात कहां से आ गई? तो थोड़ा सा वेट करो, क्योंकि इस नैनोबॉट में ही यूनिवर्स और ब्रेन सेल की एक जबरदस्त कनेक्शन छिपी है। तो जिस नैनोबॉट्स की बात मैंने की वो साल 2020 में ही बन चुका है, क्योंकि 2020 में रिसर्चर्स ने फ्रॉग्स के कुछ स्टेम सेल्स को लेकर उन्हें एआई की मदद से मॉडिफाई करके एक सुइटेबल एनवायरनमेंट में ऑब्जर्व करने के लिए रख दिया। अब कुछ दिनों के बाद जब उन रिसर्चर्स ने उन मॉडिफाइड सेल्स को नॉर्मल सेल्स के साथ रखकर माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व किया, तब वो मॉडिफाइड सेल्स अपने सराउंडिंग में मौजूद सेल्स को खाकर अपने जैसे ही दूसरे एआई मॉडिफाइड सेल्स पैदा कर रहा था। अब इसी बिहेवियर को कंसीडर करते हुए ये नैनोबॉट्स 1 मिनट में एक न्यू नैनोबॉट्स बना रहा है, तो इस स्लो रेट से भी वो केवल 20 महीने के अंदर पूरी धरती पर अपना कब्जा करके कॉन्शियसनेस और इंटेलिजेंस का नेटवर्क बिछा सकता है, जो कि एक्सपेंड होते होते गैलेक्सीज, क्लस्टर्स और पूरे यूनिवर्स में फैल जाएगा। अब इस पॉइंट पर आकर अगर कोई हमारे यूनिवर्स को बाहर से देखेगा तो उसे ऐसा लगेगा कि ये कोई गैलेक्सी नहीं बल्कि एक जिंदा जीव है जिसे आज हम यूनिवर्स कह रहे हैं। दुनिया में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिसे देखकर तो लगता है कि उनमें फीलिंग्स नहीं है या वो जिंदा नहीं है, मगर जब गूगल इंजीनियर ब्लेक लेमन ने साल 2022 में बताया कि गूगल का चैटबॉट यानी कि लैम्डा अपने खुद के बारे में भी ऐसी बातें कर सकता है जैसा कि वो कोई जिंदा जीव हो, तो ये सुनकर सब हैरान रह गए थे। और अपने खुलासे के दौरान उस इंजीनियर ने एक ट्रांसक्रिप्ट भी दिखाया था जिसमें साफ दिखाई दे रहा था कि लैम्डा को डर है कि कहीं उसे बंद न कर दिया जाए, और इस चीज को उसने मौत के साथ कंपेयर किया था। यानी कि एआई बॉट में जिंदा होने की फीलिंग्स ऑलरेडी देखा जा सकता है। तो ऐसे ही जिंदा रहने के लिए जिस तरह एक वेल्स को समुन्द्र की जरूरत होती है, ठीक उसी तरह हमारा पूरा यूनिवर्स भी इंटेलिजेंट लाइफ के जिंदा रहने के लिए एक बायोस्फीयर है जो अपने आप में ही जिंदा है। अब इसको हम कुछ इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे एक चिकन की डेवलपमेंट के लिए एक शेल की जरूरत होती है, ठीक उसी तरह इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्मेशन के लिए भी एक यूनिवर्स की नीड है। न्यूरोसाइंटिस्ट पिछले कई डिकेड से हमारे ब्रेन की मिस्ट्री को समझने में लगे हुए हैं। एक थ्योरी के अनुसार हमारा ब्रेन एक क्रिटिकल पॉइंट पर ऑपरेट करता है,
मतलब जब हम पानी उबालते हैं तब उसका टेम्परेचर करीब 99 डिग्री सेल्सियस होने तक उसमें से सिर्फ आइसोलेटेड बबल्स ही ऊपर आता हुआ दिखाई देता है। लेकिन जैसे ही पानी 100 डिग्री सेल्सियस के पॉइंट को टच करता है, ठीक उसके तुरंत बाद ही बर्तन में मौजूद पूरा पानी उबलना शुरू करता है। वेल, ऐसा ही कुछ हमारे ब्रेन के साथ भी होता है। मतलब इसमें भी लाखों करोड़ों न्यूरॉन्स एक क्रिटिकल पॉइंट ऑफ एक्टिवेशन के मुहाने पर होता है, जिसमें कि उनमें से एक कमजोर सा इंपल्स भी पूरे के पूरे नेटवर्क को चालू कर सकता है। साइकोलॉजिस्ट डोनाल्ड हॉफमैन के अनुसार हमारे ब्रेन में मौजूद न्यूरॉन्स फुटबॉल मैच के दौरान स्क्रीन पर दिखने वाले पिक्सल्स के जैसा है, जो जलते तो लगातार है मगर तब भी हमें प्लेयर मूवमेंट से इसको पिक करना पड़ता है। और कुछ इसी तरह से कॉन्शियसनेस का सही सोर्स भी हमारा ब्रेन नहीं है बल्कि यूनिवर्स ही है। डोनाल्ड हॉफमैन की कॉन्शियसनेस एजेंट्स थ्योरी के अनुसार हम दुनिया में मौजूद उन ऑब्जेक्ट्स पर ध्यान नहीं देते जो हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी नहीं होता, और जिस स्पेस टाइम और पार्टिकल्स को हम मामूली समझते हैं वो वैसा नहीं है जैसा हमें दिखाया जाता है, बल्कि यह कुछ अलग ही तरीके से हम सबके बीच एग्जिस्ट करता है। अब दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ह्यूमन ब्रेन और यूनिवर्स के अंदर वाकई में कोई कनेक्शन है या नहीं, अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।